मॉर्निंग बेटा, आज आप व्याकरण का ही मतलब एक भाग कर जा रहे हैं, लिंग बदलो। ठीक है, देखो लिंग बदलो जड़े ने गे बेटा, ये भी अपने व्याकरण का ही एक पार्ट ने। ठीक है, पहला पहला की परिभाषा करते हैं। नाम या शब्द के जिस रूप तो सानू स्त्री या पुरुष का ज्ञान हो उसनू लिंग कहा जाता है। ठीक है ना, देखो ये की है भी नर या मादा, स्त्री या पुरुष के अटड होने का पता लगता ना। ठीक है, उतों आप कहने लिंग। ठीक है, जेडे लिंग ने बेटा दो प्रकार के होंगे, पुलिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, इन्हों की डेफिनेशन आप घर तो भी मिल सकती है, जे आप सीखना चाहिए तो आप चीज घर तो भी सीख सकते हैं। अपने घर के भी देखो औरत मर्द दोनों रहते हैं। ठीक है ना, लेडीज ने जेडे स्त्री लिंग का भाग ने, जेडे जेंट्स ने पुलिंग का भाग ने। ठीक है, मम्मी डैडी, डैडी ने जेडे हो गए पुलिंग, जेडे मम्मी ने हो गए स्त्रीलिंग। दादा दादी, दादा की हो गए पुलिंग, दादी स्त्रीलिंग। चाचा चाची, नाना नानी, कितने भी रैलेटिव तो ला लो, कितने भी मतलब अपने बहुत सारे मतलब अपने एग्जाम्पल्स मिल जाती है बेटे कि आप किस तरीके जो लिंग ने उन्होंने चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इतने मैं थोड़ा कुछ मतलब लिंग ने लिंग वालों ने जो लिखे हुए हैं तो किस तरीके चेंज करने ने मैं थोड़ा अज दसागी। सब तो पहले देखो हिरन। ठीक है, हिरन की हो गया पुलिंग, जेडे मैं लिखे ने बेटे ये सारे ही पुलिंग ने। ठीक है, तो आप इन्हों चेंज करा स्त्रीलिंग चेंज करा। ठीक है, बहुत ईजीली होंगे ने बेटे, इन्हों समझना बहुत ज्यादा ईजीली होंगे, तो बहुत ही वधिया तरीके समझ सकते हो। हिरन का की बनूगा वन, हिरनी, हिरन का हामी सिहारी, रारा नन्ने बिहारी नी। तो जेडे लिखन का तरीका बेटे इन मतलब कितने सिहारी बिहारी जो भी लगानी है इनू भी सही तरीके ही लिखना। ठीक है ना, जे एक भी सिहारी बिहारी इधर करती तो वह मतलब अर्थ ही गलत हो जाए, फिर वह थोड़ा रॉन्ग हो जाना। कबूतर कबूतरी, कक्का बब्बे दलंकर, कबू त री राय बिहारी री। ऊठ, ऊठ का हम आप बनावे बेटा, ऊठ का उठ ही नहीं होंगे, ऊठ का उठ ही नहीं होंगे, ऊठ का आप बनावे ऊठ नी। ऊड़े दलैंकर ठठा, नाने बिहारी नी। ऊठनी, नन्ने ते नाने दे विच भी तुसी तुहानू फर्क है जेड़ा। ठीक है, वह भी तुसी क्लीयर कर लो अपना भी जेड़ा नन्ना बेटा वह तो जो मतलब तुसी उहदे उच्चारण करते हो नन्ना बोलते हो जो तुसी तो तुहाडी जेड़ी जीभ है वह उपर दंदा नाल टच हुंदी है। ठीक है, तो जेड़े नाना जो बोलते हैं उदो अपनी जेड़ी जीभ है उपर तालू नाल टच हुंदी है, विचकारला हिस्सा जेड़ा उपर तालू नाल टच हुंदा। इस तरीके जो भी तुसी कोई वर्ड नन्ना ते नाना लिखना तो उसको पहला उच्चारण करके देखना, बोल के देखना कि वह किस तरीके मतलब नन्ना पौगा उठे या नाना पौगा। हम ऊठ नी, सप सपनी, सस्यु त्यादर पप्पा, नाने बिहारी नी। सपनी हंस, हंस का की बनाओगे बेटा हम तुम हंस नी, ये भी अंक बनूंगा। ठीक है, हाही उत्ते टिप्पी सस्सा, नाने बिहारी नी हंसनी। गरीब, गरीब का की बनाओगे, गरीबी का ही होगा ना, गरीब गरीबी नहीं बेटा, आप इतने लिंग पुलिंग कर रहे हैं, ये चीज अपने माइंड च रखनी है हमेशा कि तुम इतने लिंग से पुलिंग कर रहे हो। आप पुरुष लिंग में आप इस तरह लिंग च चेंज कर रहे हैं, इन्ना का ध्यान च रखना कि तुम किस तरीके चेंज करोगे। ठीक है, गरीब गरीबन नी नी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कुम्यार, कुम्यार का कई बच्चे बना देंगे ने कुम्यारन। ठीक है, नो बेटा वो रॉन्ग वर्ड है, कुम्यार का आप बनावे कुम्यारी, कुम्यारी आड़े करना राय बिहारी कुम्यारी। एक वर्ड का तुसी मतलब चंगी तरह ना समझ लेना क्योंकि इतने बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे ने जेडे इन्हू रोंग लिखते हैं। इस तरह सुनियार भी सुनियारन लिख देंगे ने, बट वह भी रोंग है बेटा, सुनियार का सुनियारी आऊगा। ठीक है,
ठीक है, शेर, शेरनी, मुंडा, कुड़ी। अगे अपना आ गया सुनियार, सुनियारी, लिखारी, लिखारन। ठीक है, हुण मैं तुहानू दस्सदी आं जिहड़ियां बेगान चीजां सीगियां, जिवें मैं तुहानू दस्सिया सी पहाड़। देखो पहाड़ आ जिहड़ा ओह की है, पुलिंग। मैं तुहानू समझाया कि जिहड़ियां ज़्यादा वड्डियां चीजां हुंदियां ने उहनां नू पुलिंग दा नाम दित्ता जांदा, ते जिहड़ियां थोड़ियां छोटियां रह जांदियां ने जिवें हुण पहाड़ी, इह छोटी चीज़ है, इहनू आपां स्त्रीलिंग दा नाम। जिवें पक्खा, पक्खा थोड़ा बड़ा हो गया, पक्षी आप हाथ च फड़ के जिवें आपां चल रहे। ठीक है, जरूरी नहीं हैगा कि पुलिंग पहला आउण ते स्त्रीलिंग बाद च आउण। बेटे एक चीज़ ये भी समझ लो कि कई बार एवें भी हुंदा कि स्त्रीलिंग पहला लिखा जाता हुंदा ते उहदा तुसीं पुलिंग बनाउणा हुंदा, ये भी हो सकता, क्योंकि पहला तुहानूं पहाड़ी भी दित्ता जा सकता ते तुसीं उहदा पहाड़ भी बना सकते। ठीक है ना, ये भी अपने माइंड च रखनी है तुसी चीज़ बेटा। आई होप तुसी इस चैप्टर को बहुत ही मतलब ध्यान नाल समझिया होगा। थैंक यू बेटा।